हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे साथ। मैं हूँ रेनू आर्या, जहाँ पर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो यानी कि बिग बॉस की। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि वीकेंड का वॉर विद सलमान खान जो है गया है, और इसके साथ ही इस बार का बिग बॉस में जो वीकेंड था वो काफ़ी मजेदार रहा। एक तरफ जहाँ पर बहुत सालों बाद गोविंदा और सलमान खान की जोड़ी जो है टीवी पर नजर आई, इसके साथ साथ ही इन्होंने दर्शकों का मनोरंजन के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करी। खैर, ये सब तो काफ़ी दिलचस्प था ही, लेकिन इसके साथ साथ ही जैसे कि हर बार वीकेंड पर हमें इंतज़ार रहता है कि इस बार घर से कौन बेघर होगा, तो यहाँ पर अगर आपको बता दूँ कि ये जो शो था काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। एलिमिनेशन की बात तो खैर मैं आपसे बाद में करूँगी, लेकिन इसके अलावा अगर मैं घर की बात करूँ तो यहाँ पर संडे का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कलर्स टीवी पर जो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट आने वाला है, उसी के प्रमोशन के लिए मोस्ट पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह जो है बिग बॉस के घर में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने घर वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी। एक तरफ अनुप जलोटा और जसलीन की रोमांटिक मस्ती कहे या फिर सिजलिंग डांस परफॉर्मेंस कहे, तो दूसरी तरफ नेहा के पोल डांस ने सभी तरह से लाइमलाइट जो है अपनी तरफ बटोर ली। खैर, ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, लेकिन इसके साथ साथ ही सुरताल का जो संगम हमें एक बहुत ही बेखूबसूरती से देखने को मिला, वो अनुप जलोटा और दीपक ने बहुत ही खूबसूरती से जो है ये क्लासिकल संगीत गाया था, वो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। खैर, ये तो मस्ती मजाक की बातें थी। जितनी देर भारती घर पर रही उतनी देर घर के अंदर काफ़ी मस्ती हुई, लेकिन उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान अगर बात करते हैं तो एलिमिनेशन की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर सलमान खान ने बिना किसी का ये बताए कि कौन इस बार सेफ है, सीधा सीधा जसलीन और अनुप जलोटा की जोड़ी का नाम दे दिया और बता दिया कि इस बार जो है घर से बेघर होंगे वो जोड़ी है अनुप जलोटा और जसलीन मथारू की। लेकिन इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक इतना तगड़ा ट्विस्ट आएगा, शायद ये किसी ने नहीं सोचा था। आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले हफ्ते रोमिल और निर्मल की जोड़ी के साथ किया गया था, यानी कि रोमिल घर के अंदर रुके थे और निर्मल जो है वो घर के बाहर चले गए थे, लेकिन इस एलिमिनेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो शायद अभी तक किसी को नहीं पता है। आपको पहले मैं ये बता देती हूँ, जब सलमान खान ने सीधे सीधे तौर से ये पूछा था कि हाँ आपकी जोड़ी जो है सबसे ज़्यादा कम वोटों से यहाँ पर नॉमिनेट होती है, लेकिन वो उन दोनों के हाथ में है कि कौन घर के अंदर रहेगा और कौन बिग बॉस का घर छोड़ के बाहर जाएगा, तो यहाँ पे बिना वक्त ज़ाया करे जसलीन ने पूरी तरह से घर में रहने का जो अपना डिसीजन था वो सुना दिया। हालांकि उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि वो अपना दुख जो है दिखा पाए, लेकिन दर्शक कहें या फिर सलमान खान कहें या फिर घर के अंदर रहने वाले लोगों की बात करें, किसी को भी जसलीन के चेहरे पर ये चीज़ नहीं नज़र आई कि हाँ उन्हें अनुप जलोटा से दूर होने का दुख है या फिर अनुप जलोटा घर से जा रहे हैं उस बात को उन्हें अफसोस है। ये चीज़ साफ तौर पर नज़र आई कि हाँ अगर जसलीन चाहती है तो सिर्फ इतना कि उन्हें बिग बॉस के घर में रुकने का मौका मिले। खैर, जैसे कि उन दोनों ने अपना डिसीजन सुनाया तो उस हिसाब से जो है जसलीन घर के अंदर, अनुप जलोटा बिग बॉस के उस घर से बाहर आए हैं जहां पर बाकी घर वाले रह ले, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि हाँ अनुप जलोटा अभी भी बिग बॉस के घर से बाहर नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें एक सीक्रेट रूम में भेजा गया है। और यही शो का है जो है बहुत ही ट्विस्टिंग कहे या फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट कहे, और उसके साथ साथ ही बिग बॉस के दूसरे घर से ही जो है अनुप जलोटा निगरानी रखे हैं घर वालों पर कि आखिर उनकी गैर मौजूदगी में घर में क्या हो रहा है, जसलीन आखिर किसके साथ जो है गप्पे मार रही हैं, उनको क्या वाकई में अनुप जलोटा के जाने का दुख है या फिर वो सिर्फ एक दिखावा था। खैर, ये सारी बहुत ही दिलचस्प बातें हैं जो इस एपिसोड में यानी कि आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या गुल खिलाती है अनुप जलोटा और जसलीन की जोड़ी, क्या अब इस बार अनुप जलोटा वाकई में कोई अलग से डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि उनके बाल ना काटने और कपड़े और मेकअप ना देने को लेकर तो खैर उन्हें बहुत ताने सुनाए ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अब बिग बॉस ने दूसरा नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि इस बार एलिमिनेशन का तरीका बिल्कुल अलग था और उसके साथ साथ ही किसी को नहीं पता है कि अनुप जलोटा जो है वो घर से बाहर नहीं गए हैं, बल्कि एक तीसरे तरीके से जो है घर के हिस्सेदार बने हुए हैं। तो ये सारी अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसके साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक करेगा इंडिया।